तो क्या हाल गाइस, देखो मैं पहुंच चुका हूं टॉप 500 में और मेरा रैंक चल रहा है 491491, लेकिन ये मेरा एक घंटे के अंदर बाहर हो जाऊंगा मैं टॉप 500 में। लेकिन अभी मैं पहुंच चुका हूं, बहुत ही क्लोज हूं और शाम को मैं कर लूँगा 500 के अंदर और 300 के अंडर मैं आ जाऊंगा, जिससे कि मेरे को सुबह तक खेलना ना पड़े और सुबह मेरे को कॉन्करर मिल जाए। लेकिन कल मैंने बोला था कि मैं पहुंच जाऊंगा कल आज की डेट में कॉन्करर, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। मेरे को पहले तो हैकर ने मारा, उसमें मेरे को 6 माइनस लगा, उसके बाद टीम अप ने मारा, गाड़ी मेरे पीछे लगा दी और भाई मैंने सोचा एक ही बंदा होगा और मैं उतर के मारने लगा, तो भाई वहाँ से दो बंदे निकलते हैं और वो मेरे को पेल के चले जाते हैं। वहाँ पे मेरा माइनस लगा था 33 का, तो फिर मैंने सोचा कि मैं चार्ज कर लेता हूँ एक घंटे तक, और एक घंटे के लिए मैंने चार्ज भी लगाया, लेकिन मैं उतने में सो जाता हूँ और मोबाइल चार्ज पर लगा रह जाता है, जिससे कि मैं सुबह उठा, मैंने कहा मेरे को कॉन्कर करना था और वो चीज़ नहीं हो पाई। तो भाई आज हम करेंगे कोशिश पूरी, क्योंकि अगर हैकर नहीं मिले तो शायद हो जाए, मेरे को चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं, क्योंकि हैकर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और टीम अप भी मिल रहा है। आज तो दिन में ही मेरे को दो बार हैकर ने मारा, जिसमें मेरा माइनस तो नहीं लगा लेकिन प्लस भी नहीं हुआ उतना अच्छा खासा, 2-3 पॉइंट प्लस हो रहे थे, क्योंकि जब हैकर आता है आपकी लॉबी में तो दिक्कत हो जाती है, आपको बहुत ही सेफ खेलना पड़ता है, एज टू एज खेलना पड़ता है। तो भाई बात करते हैं अपने गेम प्ले के बारे में। तो यहाँ पर मैं आता हूँ लूटने के लिए और यहाँ पर एक बंदा पहले से ही कैंप कर रहा था, लेकिन मैंने चारों तरफ गाड़ी घुमा के देखा तब ये बंदा मेरे को स्पॉट नहीं हुआ, और ये बंदा तब मेरे को मार सकता था, लेकिन मैं जब उतरा तब इसने मेरे को मारा था, वो मेरे पास एडवांटेज था उसको मारने के लिए, क्योंकि मेरे को टाइम मिल गया था और हमने इनको पेल दिया। तो गाइस मेरे को पहले माइनस का डर नहीं लगता था, लेकिन अभी मेरे को माइनस का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जब आप टॉप 500 के क्लोज होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अगर आप उसमें माइनस खाते हो 10 पॉइंट का तो आपका रैंक 200 या 250 रैंक पीछे चला जाता है, और उसको कवर करने के लिए आपके पसीने छूटने वाले हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मैं ये चीज़ कर चुका हूँ, झेल चुका हूँ, क्योंकि मेरा जब माइनस लगा कल 33, तो भाई मेरा मूड खराब हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने कूल किया, मैंने कहा कोई नहीं आगे हम प्लस कर लेंगे, ईजी है, और उसके बाद मैंने मोबाइल को चार्ज भी लगाया, उसके बाद फिर मैं सो गया, मैंने कहा रहने देते हैं रैंकिंग पुश कल कर लेंगे अपना, कॉन्करर तो हो जाएगा एक दो दिन में, और भाई वो अगर माइनस नहीं लगता तो कल ही मेरा कन्फर्म था, और वो माइनस मेरा लगा उसके बाद मैंने नहीं खेला, क्योंकि मेरे को डर था कि और ज़्यादा माइनस लग सकता है, हैकर हैकर आ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बंद कर दिया रैंक पुश और भाई आराम से चिल मार के सो गया। और भाई अगर आपका माइनस लगता है तो फ्रस्ट्रेट मत होना, क्योंकि ये चीज़ होती रहती है, मेरे साथ बहुत बार होती है, मैं कुछ भी कूल रहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं प्लस कर लूँगा, कॉन्करर है एक दो दिन बाद से ही मिल तो जाएगा आप, जब मैं इतने क्लोज हूँ, और आपको अगर नहीं लगता आप नहीं कॉन्करर कर पा रहे तो भाई छोड़ दो, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी नहीं होती है कि कॉन्करर ही होना चाहिए, डुओ पुश करो, डुओ में आपको सोलो में नहीं हो रहा, डुओ करो स्क्वाड करो, मज़ा भी आएगा खेलने में, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो मैंने ये से होल्ड कर रखा था क्योंकि ये जोन का सेंटर था, और भाई इस वाले गेम प्ले में किल होने वाले हैं कल वाले गेम प्ले के बहुत ही क्लोज, तो बताओ कमेंट करके कि कितने किल करूँगा मैं इस गेम प्ले में जो कि आपको देखने वाले हैं, और इस चीज़ को देखने के बाद भाई सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए, क्योंकि एक ही स्प्रे में मैंने दो बंदों को ले लिया जो कि टीम अप वाले थे, और भाई मैं टीम अप वाले अगर मेरे को मारते तो भाई मैं भी बदला लेता हूँ। तो भाई बस आप अब किल गिनो कितने किल मैं करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे 3 किल थे और अभी अभी मेरे को 3 किल और मिल गए हैं, तो बस तुम देखते जाओ कितना ही भसड़ होने वाला है यहाँ पर, और चारों तरफ गाड़ियाँ गाड़ियाँ हैं, बंदे भी हैं, और मैं जोन में हूँ और मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर कोई भी डायरेक्ट रस नहीं कर सकता, वो चीज़ आगे आपको देखने को मिलेगी। जिस बंदे ने मेरे पर रस किया उसका वहाँ पर मैंने डब्बा बनाया और सीधा लॉबी में भिजवा दिया, तो यहाँ पर कोई भी जगह आप होल्ड करो, चुपचाप से बैठे मत रहो, लेट मत जाओ, ये चीज़ें मत करो, अगर ओपन है तो वहां पे लेटना ही पड़ेगा, यहां पे मेरे पास कवर है, मैं बार बार बाहर जा रहा हूं, देख रहा हूं चारों तरफ, फिर अंदर आ जा रहा हूं, ये चीज आपको करनी पड़ेगी, और तभी लेफ्ट से आती है एक डासिया, देखो यहां पर डायरेक्ट रस नहीं कर सकता कोई भी मेरे ऊपर, ये एग्जांपल यहां पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर रिज थी, गाड़ी आया, वो उसका गाड़ी रोका और भाई हमने इसको इजी किल कर दिया, क्योंकि उसको व्यू नहीं मिल रहा था कि सामने सेक है या फिर सेक है उस पर बंदा है या नहीं, वो डायरेक्ट चला आया वहाँ पे रोका, तब तक हमने उसको भर दिया, और अगर मैं यहाँ पे बैठा रहता तो वहाँ पे वो उतर के पोजीशन ले लेता और भाई वो नेड भी कर सकता था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे ही आपको साउंड आए तुरंत बाहर निकलो, पेलने की कोशिश करो, जैसे कि इस बंदे को हमने लॉबी में भेजा। ये भाई साहब इनकी गाड़ी फंस गई, नहीं तो ये भागने वाले थे यहाँ से, और मैं भागने नहीं देता इसको, तुरंत ही गाड़ी से गिरा लेता, और यहाँ पर तुम देखते ही जाओ भाई कितने किल होने वाले हैं, बहुत ही भसड़ था इस गेम प्ले में, मज़ा आया था,
लेकिन जब आप ऐसी फाइट ले रहे हो तो आपको चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है कि बंदा एक यहाँ पर था और उसको नोटिस करना पड़ता है कि वो मेरे पे शॉट ना ले पाए। मैं ऐसे बहुत बार मरा हूँ, आज ही मरा हूँ क्योंकि उसकी लोकेशन मेरे को नहीं थी पता और भाई उसने मेरे को भर दिया। जैसे ही मैं दूसरे बंदे को गाड़ी से मारने की कोशिश की तो भाई उसने मेरे को भर दिया और वहाँ पर मेरा प्लस कम हुआ था, 8+ हुआ था लेकिन हो गया था, माइनस नहीं हुआ था। ये सही चीज़ थी, लेकिन सोलो में जो एंड का सर्कल खेलने में मज़ा आता है वो चीज़ आपको कहीं फील नहीं हो सकती, चाहे आप डुओ खेलो चाहे आप स्क्वाड खेलो, उसमें मज़ा नहीं आएगा एंड के सर्कल में। लेकिन जो सोलो में आप खेलते हो ना उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और भाई रेड डॉट का एक पॉइंट मैं अब बेहतरीन बताने वाला हूँ जिससे आप रेड डॉट शायद यूज करने लगो क्योंकि आपको अच्छा लगे। उसके लिए पहले ये स्प्रे देखो जो रेड डॉट से हमने इस बंदे को चलती हुई गाड़ी से गिराया, वो स्प्रे तुम एक बार देख लो और इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस रेड डॉट का जो एम असिस्ट काम करता है वो दूसरे स्कोप्स के मुकाबले में अच्छा काम करता है, और अगर ये चीज़ आपको नहीं थी पता तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई यहाँ पर देखो बंदे बचे हुए हैं 13 और मेरे किल हो चुके हैं 9। तो गाइस थोड़ी देर के लिए शांति हो गई थी लेकिन मैंने सोचा अभी बंदे 12 इलाव में और बंदे गए कहाँ, तो सामने मेरे को स्मोक दिखता है और वहाँ पे बंदा होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे स्मोक है तो भाई उसके पीछे भी बंदे होंगे और वहाँ पे भी होंगे। तभी मेरे को कार का साउंड आता है तो भाई तुरंत ही मैं बाहर निकलता हूँ क्योंकि अगर मेरे पास आ रही है वो गाड़ी तो भाई मैं उसको उतरने नहीं देना चाहता और वही चीज़ यहाँ पर होती है। तभी मेरे को दूर एक बंदा स्पॉट हुआ तो हमने स्प्रे दिया, वो लेट गया और भाई फिर उसके बाद मेरे को वो बंदा स्पॉट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं बंदे स्पॉट करने के लिए बाहर निकलता हूँ लेकिन तभी मेरे को पीछे से शॉट्स आते हैं तो मैं जल्दी से कवर में जाता हूँ और हील करता हूँ। तो भाई ऊपर की साइड से आ रहे हैं मेरे पे शॉट्स, लेकिन तभी डासिया एक आ जाती है नीचे रिज की साइड और वहाँ पे एक पत्थर है तो भाई उस बंदे ने उस पत्थर पे गाड़ी ठोकी और वहीं पे लेट गया। तो भाई अब देखो उसको मैंने कैसे मारा, जैसे ही वो बंदा किसी पे फायर करता है तो मैं तुरंत बाहर निकलता हूँ, स्पॉट किया लेकिन उसने ग्रेनेड किया या स्मोक मेरे को नहीं था पता, तो मैं आ जाता हूँ सेक में वापस। तो भाई थोड़ी देर बाद स्मोक होता है तो मैंने कहा ये तो स्मोक था। तो भाई अब देखो उसने मेरे को याद दिला दिया कि मेरे पास नेड है तो मैं नेड का यूज़ कर सकता हूँ, पैसे मैं नेड का यूज़ नहीं करने वाला था क्योंकि जब उसने स्मोक थ्रो किया तब मेरे को पता लगा कि हाँ मैं नेड यूज कर सकता हूँ। और भाई इस वाले किल के लिए तो भाई सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दो और लाइक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा नेड लो टॉस पे था तो पहले मैंने इसको हाई टॉस पे किया और अब देखो इस बंदे को कैसे नेड से पेला हमने। तो यहाँ पर मैंने 2 सेकंड पे नेट फेंका और बूम ये बंदा किल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी भी 6 अलाइव हैं और मेरे किल हो चुके हैं 11 और भाई बंदे राइट साइड हैं बहुत सारे, तो अभी देखो वहाँ पर कितना भसड़ मचता है। तो वहाँ पे जैसे ही भसड़ मचेगा मैं तुरंत उसको थर्ड पार्टी कर दूंगा और वहाँ पे जो भी बंदा बचेगा उसको मैं किल कर दूंगा, लेकिन मैं अभी जोन में नहीं हूँ तो मेरे को भी जोन में जाना है। और भाई ये चीज़ मैं सोच रहा था कि जोन कितनी देर में स्टार्ट होगा, जैसे ही जोन स्टार्ट होगा मैं तुरंत यहाँ से निकलूँगा। और तब तक यहाँ पर शांति हो चुकी थी तो भाई मैंने एक बार स्पॉट किया, कुछ नहीं हुआ तो भाई मैंने स्मोक स्टार्ट किए फेंकने क्योंकि स्मोक से ही मैं जा पाऊँगा जोन में, और गाड़ी तो मेरी फंसी हुई है और एक गाड़ी जली हुई है तो वो चीज़ मैं लेके नहीं जाना चाहता। तो वहाँ पे 2-3 बंदे लड़ रहे थे, पता नहीं टीम अप था क्या सीन था कुछ भी पता नहीं लग रहा था। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और इस स्मोक से मैं एक और स्मोक थ्रो करता हूँ आगे की साइड, लेकिन मेरे को नहीं था पता कि लेफ्ट में भी एक बंदा है। और यहाँ पर इस बंदे को मारा, 2 बंदे बचे, लेफ्ट से मेरे को साउंड आया गाड़ी का और भाई मेरा रीलोड चला जाता है उतने में वो बंदा मेरे को मार देता है। और यहाँ पर मेरे को गाड़ी का साउंड आया था लेफ्ट से तो भाई मैंने तुरंत घूम के वहाँ पे फायर दिया, लेकिन वो चीज़ मेरे से नहीं हो पाई क्योंकि वो कवर में था और मैं ओपन में था। फिर उसके लिए मैं लेटा भी तो लेकिन रीलोड नहीं हो पाई तो मैं उसको मार नहीं पाया। तो यहाँ पर आप डेथ कैम देखो कि डेथ कैम उसने कैसे मारा मेरे को। और भाई अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब मार दो, अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ जाके फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और ये डेथ कैम जरूर देखना, पूरा मजा आएगा।